हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ द एलजैबिक एक्सप्रेशन कल हमने एलजैबिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स और कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था और सीखा था आज उससे आगे हम बढ़ेंगे कल लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि वाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल उसमें हमने पढ़ा था डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल के बारे में एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है उस पर जो हाइस्ट पावर है वही डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं डिग्री के बारे में आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स पर जो हाईएस्ट पावर है फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करा देता हूँ आपका रिवीजन हो जाएगा एक्स टू दावर सेवन माइनस फोर एक्स टू दावर फाइव प्लस टू एक्स टू दावर थ्री माइनस फोर अगर ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें एक्स टू दावर सेवन है एक्स टू दावर फाइव है एक्स टू द पावर थ्री है जो हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल एक्स पे वो है सेवन तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री ये है सेवन ये हमने लास्ट क्लास में किया था अब इसी डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई किया हुआ है देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोलिनोम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने क्या किया पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया यानी पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासीफाई किया इन टू डिफरेंट टाइप्स तो फर्स्ट टाइप जो है वो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कॉन्स्टेंट जैसा कि वर्ड दिख रहा है आपको कॉन्सटेंट इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में सिर्फ कॉन्स्टेंट्स आएंगे वेरिएबल्स आएंगे नहीं इसका मतलब कॉन्सटेंट पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल आया ही नहीं इसका मतलब वेरिएबल पर पावर्स क्या है हम क्या देखेंगे उसकी डिग्री क्या होगी जब वेरिएबल आया ही नहीं तो कोई डिग्री नहीं देख सकते हम कोई पावर नहीं देख सकते इसका मतलब इसमें डिग्री जीरो होती है इसलिए आपको वेरिएबल नहीं दिखता इसलिए सिर्फ कॉन्सटेंट दिखता है इसमें इसलिए इसको कहते हैं कॉन्सटेंट पॉलिनोमियल तो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ज degree एज zero. For example, अगर मैंने लिखा ऑनली this is the first example for a constant polynomial seven. तो so seven एक constant है इसमें कोई variable नहीं है इसलिए आप कह सकते हैं ये constant polynomial है और मैंने लिखा है यहाँ पर degree गैस के zero. That means कि इसमें आप एक variable add तो कर सकते हो But इसपे जो power है वो zero है दे आर फॉर डिग्री जीरो पावर जीरो इसका मतलब डिग्री जो है हाईएस्ट पावर जीरो है जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकती जीरो से ज़्यादा अगर हो जाएगी तो फिर उसकी डिग्री जीरो नहीं रहेगी फिर जो हाईएस्ट पावर आएगी वो डिग्री हो जाएगी सेवन टू दी पावर सेवन इंटू एक्स टू दी पावर जीरो एक्स टू दी पावर जीरो क्या होता है वन होता है दैट मीन्स दिस इज ऑनली सेवन सिमिलरली आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो माइनस फोर बाई थ्री और रूट टू दिज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्स्टेंट पोरिनोमियल देर आर नो वेरिएबल्स इन दिस Or you can say there is a variable, but its power is 0 and to the power 0 it becomes 1. That is why its degree is also 0. Second polynomial on the basis of degree of a polynomial is linear polynomial. Now, what is linear polynomial? The polynomial. ज डिग्री इज वन दो पॉलिनोम हाइस्ट पावर ऑन द वेरिएबल वन ऐसे पॉलिनोमियल्स इसमें वेरिएबल्स पर जो हाइएस्ट पावर है वो वन है दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज वन ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग सेवन एक्स माइनस फोर इसमें सेकेंड टर्म फोर कॉन्सेंट है फर्स्ट टर्म है उसमें एक वेरिएबल है एक्स और उस एक्स पर पावर है वन और इस पूरे पॉलिनोमियल्स में और कोई वेरिएबल नहीं है जो एक ही वेरिएबल है उस पर पावर वन है दैट मीन्स हाइएस्ट पावर वन है देअ डिग्री वन है दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल वी कैन राइट मोर एग्जाम्पल्स एट एक्स वाई प्लस फोर वी कैन राइट अ सिंगल टर्म फाइव ए फाइव कॉन्सटेंट है ए वेरिएबल है यहाँ ए वेरिएबल पर पावर वन है यानी कि हाइएस्ट पावर वन है पूरे एक्सप्रेशन में दैट मीन्स इसकी डिग्री वन है सो दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल सो डिग्री जीरो देख लिया हमने डिग्री वन के बेसिस पे देख लिया हमने ना ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री द थर्ड पॉलिनोमियल इज कॉन्स्टेंट लीनियर आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टिक पॉलिनोमियल polynomial, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री टू होती है पॉलिनोमियल्स पॉलिनोम टू पॉलिनोमियल्स हुई डिग्रीज टू इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है जो एलजैबिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल्स पर जो हाईएस्ट पावर होगी वो टू होगा फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने लिखा है टू एक्स टू दावर टू माइनस फोर एक्स प्लस सेवन फर्स्ट टर्म में एक्स टू दी पावर टू है सेकेंड टर्म में एक्स की पावर वन है लास्ट टर्म में एक्स पर कोई पावर नहीं है यानी एक्स पर पावर जीरो है इसका मतलब हाईएस्ट पावर एक्स पर कितनी है वेरिएबल पर कितना टू है? है इसका मतलब सेलजैब्रिक इस एक्सप्रेशन की डिग्री टू है अगर इस एक्सप्रेशन की डिग्री टू है दैट मीन ऐसे एक्सप्रेशन को या ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो फोर एक्स स्क्वायर सिर्फ हाँ एक टर्म लिखा है मैंने और बाकी के टर्म नहीं लिखे तो इस एक्सप्रेशन में या इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है उसमें वेरिएबल एक्स है और एक्स टू दी पावर टू है इसका मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोम दो ही टर्म है लेकिन एक में एक्स टू दी पावर टू है एक में एक्स की पावर वन है हाइएस्ट पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या आप लिख सकते हो सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इसमें भी दो ही टर्म है एक टर्म है एक्स का जिसमें पावर टू है हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन में टू है तो यह भी एक क्वाड्रेटिक क्वारिक है नेक्स्ट आफ्टर क्वाड्रेटिक नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोम तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे डिग्री जीरो थी वन था फिर यहाँ डिग्री टू हो गई तो ऑफकोर्स यहाँ क्यूबिक में जो डिग्री है वो टू होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल डिग्री थ्री। अब आप एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखे थे आप लिख सकते हो सेवन एक्स टू द पावर थ्री माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन फर्स्ट टर्म में एक्स टू द पावर थ्री है सेकेंड टर्म में एक्स की पावर टू है थर्ड टर्म में एक्स की पावर वन है पूरे एक्सप्रेशन में जो एक्स पर हाइस्ट पावर है वो थ्री है सो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोम दैट मीनस द डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज थ्री देर फॉर दिस क्यूबिक पॉलिनोम इसके हमारे एग्जाम्पल ले सकते हैं एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ दो टर्म है दो टर्म्स में फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर थ्री है सेकेंड टर्म में एक्स की पावर टू है हाईस्ट पावर थ्री है दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है थ्री है इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है थ्री है तो अगर थ्री है तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हुआ ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ ना कैन टेक मोर एग्जाम्पल लाइक एक टर्म लिखा मैंने फाइव एक्स टू पावर थ्री एक सिंगल टर्म लिखा है सिर्फ इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक सिंगल टर्म है फाइव एक्स क्यूब एक्स की हाईस्ट पावर थ्री है दैट मीन्स इसकी डिग्री थ्री है क्यूबिक है। माइनस फोर बाई थ्री एक्स टू दी पावर थ्री माइनस फोर एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि उसकी हाईस्ट पावर थ्री है और डिग्री थ्री है क्यूबिक पॉलिनोम नाउ डिग्री थ्री हमने देख लिया अब देखते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हो जाएगा फोर इसका नाम है बाईक्वाड्रेटिक बाईक्वाइड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोज पॉलिनोमियल्स डिग्री इज फोर ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें डिग्री फोर है डेट मीन्स वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होगी एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में वो फोर होगी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ सेवन एक्स टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स टू द पावर थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में टोटल फाइव टर्म्स है फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर फोर है सेकेंड टर्म में एक्स की पावर थ्री है थर्ड टर्म में एक्स की पावर टू है और फोर्थ टर्म में एक्स की पावर जीरो है लास्ट टर्म कॉन्सेंट टर्म है उसमें एक्स की पावर जीरो है तो हाईएस्ट एक्स की पावर जो इस पूरे पॉलिनोमियल में वो फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर फोर है दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो फोर है एंड पॉलिनोमियल डिग्री इज फोर डैट इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डट मीन्स ये एक्जाम्पल है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस तरह हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें एक्स की हाइस्ट पावर फोर होगी डेट मीनस फाइव एक्स टू दावर फोर माइनस टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर बस मैंने इतना ही लिखा है सिर्फ दो ही टर्म लिखा है फर्स्ट टर्म में फाइव एक्स की पावर फोर यानी फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर फोर है सेकेंड टर्म में एक्स की पावर टू है तो पूरे पोलिनोमियल में एक्स की हाईस्ट पावर फोर है दैट मीनस इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है फोर पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है डैट मीनस ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस तो तौर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम एक सिंगल टर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं माइनस सेवन एक्स टू दी पावर फोर इस पॉलीनोमियल में सिर्फ एक सिंगल टर्म मैंने लिखा है माइनस सेवन एक्स टू दावर फोर जिसमें एक्स की पावर फोर है तो मैं कह सकता हूँ इस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है और उसमें एक्स की पावर फोर है यानी कि एक्स की पावर फोर है दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है दैट मीन्स दिस इज अ टाइप ऑफ बाई क्वारटिक पॉलिनोमियल आपज्जाम्पल ले सकते हो सेवन एक्स टू दावर फोर माइनस रूट टू एक्स की पावर थ्री प्लस सेवन एक्स सिर्फ तीन टर्म लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म एक्स की पावर फोर है सेकंड टर्म की पावर थ्री है एंड लास्ट टर्म में एक्स की पावर वन है तो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स की हाइस्ट पावर जो है वो फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर फोर तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है फोर पॉलिनोमियल की डिग्री फोर है इसका तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है एक पॉलिनोम है ना हमने डिग्री जीरो का देखा डिग्री वन के लिए देख लिया डिग्री टू डिग्री थ्री एंड डिग्री फोर के देख लिया इनके नाम से आते हैं इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो इट इज़ नॉन एज कॉन्सटेंट पॉलिनोमियल इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ वन इट इज़ नोन लीनियर पॉलिनोमियल इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज टू इट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज थ्री इट इज नॉन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इफ डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनील इज फोर इट इज नोन बाइक्वाइडी पॉलिमियल वाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल हुग्री इज 5। अब नेक्स्ट अगर मैं लिखूं कि पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फाइव है उसका नाम क्या होगा तो उसके लिए हमने कोई नाम नहीं लिखा है उसके लिए कोई अलग से नाम नहीं है तो हम सिर्फ बाईक्आडेंटिक तक ही पढ़ते हैं डिग्री फोर तक ही पढ़ते हैं उससे हायर डिग्री अगर आ जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स टू दावर फाइव माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स एक्स टू दी पावर थ्री है यहाँ माइनस सेवन मैंने कहीं पॉलिनोम लिखा है एक्स टू दी पावर फाइव माइनस सेवन एक्स टू दावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्स्ट टर्म एक्स की पावर फाइव है सेकेंड टर्म एक्स की पावर थ्री है थर्ड टर्म में एक्स की पावर टू है पूरे पॉलिनोम में एक्स पर जो हाइस्ट पावर है वो फाइव है और अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर हाइस्ट पावर फाइव है यानी कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री फाइव है तो उस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा इसके लिए हमने अलग से कोई नाम नहीं रखा है एक्स टू दी पावर फोर यानी डिग्री फोर तक पॉलिनोमियल्स के लिए हमने अलग से नाम रखा था कॉन्सेंट पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक लेसिक लेकिन जैसे ही अब डिग्री फाइव या उससे हाइस्ट हो जाएगी उसके लिए अलग से अब कोई नाम नहीं है तो हम इससे बोलते हैं इफ़ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोम इज फाइव इफ डिग्री इज फाइव दिस पॉलिनोम हम इसे बोलते हैं पॉलिनोम डिग्री फाइव फोर के बाद डिग्री फाइव हो गई हाइस्ट यह हो गई तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री है उसी डिग्री के नाम से उस पॉलिनोमियल को कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव फॉर एग्जाम्पल मैं

और पॉलिनोमियल लो जिसमें मैं लिखूँ सेवन एक्स टू दावर इलेवन माइनस एट एक्स टू दावर टेन माइनस थर्टीन एक्स टू दावर नाइन प्लस सेवन एक्स स्क्वायर इस पूरे पॉलिनोमियल में आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर अलेवन है सेकेंड टर्म में एक्स की पावर टेन है थर्ड टर्म एक्स की पावर नाइन और यहाँ तो आप देख सकते हो क्लियरली कि पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल पर हाइस्ट पावर है वो अलेवन है यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो एलेवन है तो हम इसे कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ़ डिग्री 11, यानी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे, उसी के नाम से हम पॉलिनोमियल को बुलाते हैं अगर डिग्री से 11 का पॉलिनोमियल है कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इस इससे अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ट्वेल्व होगी तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ट्वेल्व अगर डिग्री थर्टीन होगी तो हम कहेंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थर्टीन अगर डिग्री हंड्रेड होगा लिखा हुआ एक पॉलिनोमियल थ्री एक्स टू पावर हंड्रेड माइनस सेवन एक्स टू पावर नाइन्टी एट माइनस सेवन एक्स टू पावर फोर्टी थ्री प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर अगर ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स के हाईएस्ट पावर हंड्रेड है दिस मीन्स दिस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हंड्रेड तो वी विल से दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड सो This was the classification of the polynomials on the basis of the degree. और degree क्या होती है जो variable पर highest power होता है तो हमने क्या क्या देखा अगर degree जीरो है degree जीरो है मतलब x की power जीरो या variable y है y की power जीरो variable a है a की power ज़ीरो किसी भी number पर power अगर जीरो है then that becomes वन That means x टू द पावर जीरो वन हो गया तो बचा सिर्फ constant term जो होगा सिर्फ वो बचेगा वेरिएबल्स नहीं बचेगा उस पॉलिनोमियल में तो सिर्फ कॉन्स्टेंट बचा इसलिए अगर डिग्री जीरो है तो हम ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं कॉन्सटेंट पॉलिनोमियल कॉन्सटेंट के बाद इफ डिग्री इज वन तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल नेक्स्ट इफ डिग्री इज टू ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ डिग्री इज थ्री तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री थ्री तो ऐसे को हम बोलते हैं क्वाट्रे क्यूबिक एंड ये फिर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर तो उसे हम बोलते हैं बायकवाड्रेटिक एंड ये फिर पोलिनोमियल हैविंग डिग्री मोर देन फोर तो फिर जो डिग्री है उसी के नाम से हम उस पॉलिनोमियल को बुलाते हैं अगर डिग्री फाइव है तो हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव अगर डिग्री सिक्स है तो बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री सिक्स अगर डिग्री सेवन है बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री सेवन अगर डिग्री हंड्रेड है तो बोलेंगे दिस इज ए पोिनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड यू कैन राइट दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड

सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन है डेट इज मोनोमियल मोनोमियल इसमें जो वर्ड है सबसे फर्स्ट वर्ड लगा हुआ है वो है मोनो मोनो इज ए प्रीफिक्स दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन और सिंगल और ओनली ये जो वर्ड है एम ओ एन ओ मोनो ये प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाता है इस मोनो का मतलब होता है सिंगल या ओनली या वन तो जैसा कि ये मोनो वर्ड से हमें पता चल रहा है मोनोमियल का मतलब वन है दैट मीन्स और हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे हम क्लासीफाई करें इसका मतलब मोनोमियल वन यानी कि इसमें सिर्फ वन टर्म होगा तो मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हैंग वन टर्म ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन टर्म है उसे हम कहेंगे मोनोमियल फॉर एग्जाम्पल Manilka 5x, this is a single term. I can write only x, I can write minus 5, this is a single term, minus 5, having no variables. So, yeah. I can write 7x to the power 4, this is a single term, 7x to the power 4. So, this is a monomial having only one term. So, second one is binomial.

सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर सेवन एक्स स्क्वायर एक टर्म हुआ फोर एक टर्म हुआ तो सिर्फ दो टर्म्स है इस पॉलिनोम में दूसरा तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं माइनस फोर एक्स टू पावर सेवन प्लस फोर एक्स स्क्वायर इस पॉलिनोम में दो टर्म है फर्स्ट टर्म माइनस सेवन माइनस फोर एक्स टू सेवन ये एक टर्म हुआ एंड फोर एक्स स्क्वायर ये एक टर्म हुआ इस तरह एक्स प्लस वाई अगर आप ये लिखते हो टू वेरिएबल्स में तो यहाँ पर भी सिर्फ दो टर्म्स है एक टर्म एक्स है और एक टर्म वाई है ये टू वेरिएबल का हो गया बट दिस इज ऑल्सो ए बाय क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सिर्फ दो है उसी तरह मैं सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई अगर ये एग्जाम्पल लेता हूँ अगर इस एग्जाम्पल में दो टर्म है फर्स्ट टर्म इज सेवन एक्स स्क्वायर एंड द सेकेंड टर्म इज फोर एक्स वाई तो इस पॉलिनोमियल नोमियल में दो टर्म इज दिस इज ऑल्सो इन एग्जाम्पल ऑफ बाई थर्ड वन इज ट्राइ Now, you know I try this prefix is used to represent 3, like this by this prefix is used to represent 2, this T R I try prefix is used to represent 3. So, trinomial is a polynomial having 3 terms. For example, थ्री एक्स टू दी पावर थ्री प्लस सेवन एक्स माइनस फोर इन देश पॉलिनोमियल देर्म्स थ्री एक्स टू दावर थ्री एक टर्म है सेवन एक्स एक टर्म है और माइनस फोर एक टर्म है तो इस पर पॉलिनोमियल में सिर्फ थ्री टर्म्स है तो इसे कहेंगे ये क्या है ट्राइनोमियल है इस तरह ये सिंगल वेरिएबल में आप चाहो तो टू वेरिएबल में ले सकते हो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वाई प्लस फोर वाई

पॉलिनोमियल्स है फोर टर्म्स अगर पॉलिनोमियल में फोर टर्म्स होंगे तो उसका नाम होता है क्वाड्रिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल्स में फोर टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल क्वाड इज़ यूज़ क्वेड की प्रेफिक्स टू रिप्रेजेंट फोर तो पॉलिनोमियल हैंग फोर टर्म्स अब आप एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हो क्वारोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए फोर्थ आप एक क्वारिनोमियल बना सकते हो इसमें फोर टर्म्स हैं सेवन एक्स टू पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्स फोर एक्स प्लस थ्री सेवन एक्स टू दावर फोर टर्म हो गया सेवन स्क्वायर ये एक टर्म हो गया माइनस फोर एक्स एक टर्म हो गया और प्लस थ्री एक टर्म हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फोर हो गए सो दिस इज एन एक्जाम्पल ऑफ क्वारोम आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो रूट टू एक्स टू दावर सेवन माइनस थ्री एक्स टू दावर फाइव प्लस थ्री एक्स टू दावर टू प्लस सेवन एक्सर अगेन अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे तो टू रूट टू एक्स टू दावर सेवन एक टर्म हो गया थ्री एक्स टू पावर फाइव एक्टर में थ्री एक्स एक टर्म है और सेवन एक्स टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इस पॉलिनोमियल में वो फोर है सो अगेन दिस इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिनोमियल तो ये थे टाइप्स ऑफ क्वाड्री पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स वन है तो उसे कहेंगे मोनोमियल अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलीनोमियल टू है दैट अगर दो ही टर्म है पॉलिनोमियल में तो उसे कहते हैं बाइनोमियल अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर थ्री इन द पॉलिनोमियल तो हम उसे कहेंगे ट्राइनोमियल और अगर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल फोर है तो उसे कहते हैं क्वाड्रीनोमियल अगेन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल फोर से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके लिए हमने कोई स्पेशल से नाम नहीं रखा है उसे हम सिर्फ पॉलिनोमियल बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है थ्री एक्स टू दावर सेवन प्लस फोर एक्स टू दावर सिक्स माइनस सेवन एक्स टू दावर फाइव माइनस फोर एक्स फोर प्लस थ्री एक्स सो नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन काउंटर वन टू थ्री फोर फाइव नंबर ऑफ टर्म्स इसमें फाइव हो गए तो अब इसके लिए हमने अलग से कोई नाम नहीं रखा है हम सिंपली कहते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल हैविंग फाइव टर्म्स और इसे हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं जैसे मोनोमियल था बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्वाड्रिनोमियल था उसी तरह पॉलिनोमियल में अगर आप देखो तो इसमें प्रीफिक्स यूज हो रहा है पॉली एंड प्रीफिक्स तो इसका मतलब होता है मीनी तो पॉली का मतलब ही होता है मीनी दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स फोर या उससे ज़्यादा कोई सा भी है तो आप उसके लिए डायरेक्ट पॉलिनोमियल वर्ड यूज कर सकते हो इस पॉली का मतलब भी होता है मेनी डेट मीन्स मेनी टर्म्स एक ऐसा एल्जैबिक एक्सप्रेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज़्यादा है उसके लिए हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ करते हैं अब जो पॉलिनोमियल है ये जरूरी नहीं आप अगर फाइव या उससे ज़्यादा तभी तो यूज करो अगर नंबर ऑफ टर्म्स फोर है तो भी आप पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ कर सकते हो क्योंकि हम पॉलिनोमियल का ही क्लासीफिकेशन पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स वन हो या टू हो या थ्री हो या फोर हो पॉलिनोमियल वर्ड हम उन सबके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ टर्म्स वन है तो मोनोमियल टू है तो बाइनोमियल थ्री है तो ट्राइनोमियल लेकिन ये पॉलिनोमियल ये सब सबके लिए यूज कर सकते हैं पॉली का मतलब मिनी होता है लेकिन अगर वन टर्म है तो उसके लिए भी हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर मीनी टर्म्स नहीं है वहाँ पर सिर्फ वन टर्म्स है लेकिन फिर भी पोलिनोमियल का मतलब मोनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और इसी में हमने पढ़ा है मोनोमियल तो मोनोमियल इज़ ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मतलब मीनी होता है बट फिर भी अगर मोनोमियल है तो वो पॉलिनोमियल है अनबायनोमियल है तो टू टर्म्स है अब टू है थ्री है फोर है वो सारे मीनिंग में आ गए सो दैट ऑल आर पोलिनोमियल्स अब एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल्स और एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है वो है एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं पॉलिनोमियल तो इसीलिए आपको ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल और एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है आइए देखते हैं क्या डिफरेंस है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था और ये बात मैंने बोली थी कि जो एक्सप्रेशन बट ऑल एलजैब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो सकते वो हम पहले देखते हैं पोलिनोमियल कहते तो आपको पता चलेगा कि पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन है पर सारे एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते पॉलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ एलजैब्रिक एक्सप्रेशन और एलजैब्रिक एक्सप्रेशन क्या था इसकी डेफिनेशन हम निकल देखी थी एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय फंडामेंटल साइंस या फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन डैट मीन्स एल्जॉब एक्सप्रेशन में कॉन्स्टेंट्स होगा वेरिएबल्स होगा और वो कनेक्टेड होंगे प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन के सिम्बॉल से साइंस से तो एलजामिका एक्सप्रेशन तो है पॉलिनोमियल लेकिन पॉलिनोमियल में डिफरेंट क्या है पॉलिनोमियल में डिफरेंट ये है कि ये एल्जामिका एक्सप्रेशन तो है लेकिन जो वेरिएबल्स है पॉलिनोमियल्स में उन वेरिएबल पर जो पावर लगी हुई है वेरिएबल्स पर जो पावर होगी वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या जीरो हो सकती है वो निगेटिव नहीं हो सकती वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती तो हम इसे इस तरह तो तो से लिख सकते हैं पॉलिमिले टाइप ऑफ एलजेवरी एक्सप्रेशन हैविंग नॉन निगेटिव इंटीजर पावर ऑन वेरिएबल्स पल्लोमल जो टाइप ऑफ एल्जैबिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑन द वेबल्स इसका मतलब जो वेरिएबल्स पर पावर है वो सबसे पहले तो इंटीजर होनी चाहिए और उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि जो पावर्स है वो इंटीजर होगी लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगी नॉन नेगेटिव नहीं होगी इसका मतलब पावर ज़ीरो हो सकती है और पावर पॉजिटिव हो सकती है और पावर कैसी होगी इंटीजर होगी इसका मतलब फ्रैक्शन पावर भी नहीं होना चाहिए जो पावर्स है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता वो निगेटिव नहीं हो सकता वो इंटीजर हो सकता है और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है और जीरो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पलों से देखते हैं सेवन एक्स टू दावर फोर माइनस थ्री एक्स टू दावर थ्री प्लस सेवन एक्स प्लस फोर फर्स्ट टर्म में एक्स की पावर फोर है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ जो 3 है, 3 है, 7x, है, पावर है थ्री है थ्री भी पॉजिटिव इंटीजर है थर्ड टर्म सेवन एक्स इसमें एक्स की पावर वन है यहाँ पावर वन है जो लास्ट टर्म है इसमें एक्स वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर जीरो है और एक्स की पावर जीरो मतलब वन एक्स की पावर जीरो वन हो जाती है तो इसे हम नहीं लिखते और ये सिर्फ कॉन्सेंट बचता है यानी कि जो एक्स की पावर्स है वो या तो पॉजिटिव है या जीरो है निगेटिव नहीं है अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जो कि एलजैब्रिक एक्सप्रेशन तो है कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है दो जो एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन विच आर नॉट पॉलिनोमियल अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं हमने एग्जांपल लिया एक्स सेवन एक्स टू दावर माइनस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन यहाँ पर जो हमने फर्स्ट टर्म लिया है फर्स्ट टर्म में एक्स पर पावर हमने लिखा हुआ है माइनस वन एक्स पर पावर माइनस वन है हमने क्या कहा जो पल होता है उसमें जो पावर्स होते हैं वेरिएबल्स पे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी इंटीजर होगा लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है इसमें एक्स के पावर माइनस वन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बट दिस इजिक एक्सप्रेशन क्योंकि अल्डैबिक एक्सप्रेशन क्या होता है कॉन्सटेंट और वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है उनका कॉम्बिनेशन है प्लस एंड माइनस साइन है सेवन टू दाइनस एक्स दिस इज सेवन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवन तो अगेन सेवन बाई एक्स है वेरिएबल नीचे बट देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंड वेरिएबल्स या एलिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स डिनोमिनेटर में आया जब मैं इसे इस फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पर एक्सट्रो की पावर मैंने आता है तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं इस तरीके से नहीं देखूंगा कि एक्स की पावर यहाँ पर तो वन दिख रही है मुझे पॉलिनोमियल होगा अगर डिनोमिनेटर में इस तरह से वेल्यूबर लिखा हुआ है तो उसको पहले मैं हम में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे इस तरीके से यानी कि मैं कह सकता हूं अगर मैं पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो दिस विल बी ए जीरो एक्स टू दी पावर जीरो प्लस ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए टू एक्स टू दी पावर टू प्लस ए थ्री एक्स टू दी पावर थ्री अप टू ए एन एक्स टू दी पावर एन ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन दिज आर द दफिशियंट्स और ये जो कॉफिशियंट्स हैं ये नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर होल नंबर फ्रैक्शन

ये पॉजिटिव हो सकते हैं ये निगेटिव हो सकते हैं ये इंटीजर्स हो सकते हैं ये फ्रैक्शन हो सकते हैं ये रैशनल हो सकते हैं ये इैशनल हो सकते हैं लेकिन जो एक्स की पावर है एक्स टू दावर जीरो पावर वन एक्स टू दावर टू ये जो पावर्स है ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते ये नेगेटिव नहीं हो सकते जो पावर्स है वो पॉजिटिव होंगे इंटीजर होंगे और जीरो हो सकते हैं तो हमने जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा था इसमें सेवन बाई एक्स है तो सेवन बाई एक्स है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये चेक करने के लिए जो पहले ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पहले से हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये सेवन और ये बाई एक्स है ये एक्स टू पावर माइनस वन हो जाएगा और एंड फिर अदर टर्म्स है वो तो सेम रहेंगे प्लस फोर एक्स प्लस सेवन तो यहाँ पे एक्स की जो पावर है वो माइनस हो गई यानी निगेटिव पावर आ गया और अगर निगेटिव पावर आ जाएगा तो अल्जेब्रे का एक्सप्रेशन तो रहेगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं रहेगा क्योंकि तो पॉलिनोमल की डेफिनेशन में हमने लिखा है कि जो वेरिएबल पर पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी वो निगेटिव नहीं होना चाहिए ये निगेटिव हो गया इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं रहा आप चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हो सेवन एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फोर यहाँ पे सेवन एक्स टू दी पावर वन बाई टू लिखा है फोर एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस सेवन एक्स माइनस फोर लिखा है फर्स्ट टर्म में जो एक्स की पावर है वो वन बाई टू है इसका मतलब जो पावर है वो कैसा है फ्रैक्शन है और हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा पावर होगा वेरिएबल पर वो इंटीजर होगा और वन बाई टू इंटीजर नहीं है ये एक फ्रैक्शन है इसका मतलब ये एलजावर का एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है क्योंकि एक्स पर जो पावर है वो फ्रैक्शन आ गया और एक्स की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए निगेटिव नहीं होनी चाहिए वो कैसा होगा हमेशा इंटीजर होगा और इंटीजर कैसा होगा नॉन निगेटिव यानी कि जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है लेकिन फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकता इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हमने दो एग्जाम्पल देखे जिसमें एलजैब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है इसी तरह आप और एग्ज़ाम्पल ले सकते हो जिसमें आप एक्स के वेरिएबल को चेक करो अगर एक्स के वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो है तो वो पॉलिनोमियल है अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है अगर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके बाद चेक करना पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ अगर इस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप चेक नहीं करेंगे डायरेक्ट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे एक एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम नाइन रूट एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री यहाँ नाइन रूट एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है यहाँ नाइन के बाद एक्स पर स्क्वायर ये एक्स पर रूट लगा हुआ है नाइन के बाद ये एक्स है वो एक्स अंडर रूट है इसका मतलब होता है रूट ऑफ एक्स इसका मतलब होता है एक्स टू दावर वन बाई टू यानी कि अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा नाइन एक्स टू दावर वन बाई टू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया अब आप चेक कर सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है तो यहाँ पर एक्स की पावर वन बाई टू एक्स की पावर है वो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन है इसका मतलब वो इंटीजर नहीं है और पॉलिनोमियल होने के लिए इंटीजर चाहिए इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है तो हमने अब देखा डिफरेंस एल्जैबिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में ये एक एल्जैब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ऑल एल्जैबिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल बट ऑल पॉलिनोम आर एलजैब्रिक एक्सप्रेशन पावर पॉजिटिव है या जीरो है इंटीजर है तो पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है तो एलजैब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है पॉलिनोमियल इज ए टाइप ऑफ एलजैब्रिक एक्सप्रेशन दैट मीन्स ऑल पॉलिनोमियल आर एलजैब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल एलजैब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा दिस इज एन एक्सप्रेशन दिस इज एन एलजैब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया अब हम बात करते हैं डिग्री में जो हमने बात करी थी वहां पे हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखा था डिग्री ऑफ़ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लिखा था वो इसलिए क्योंकि जब हम डिग्री की बात करते हैं तो हम सिंपली पॉलिनोम की ही बात करते हैं यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो कि एक पॉलिनोमियल है हम उसमें डिग्री की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जो ये एग्जाम्पल लिया है अगर आप इसमें डिग्री की बात करो तो यहाँ पर पावर आप वन बाई टू लोगे यहाँ पावर टू लोगे और यहाँ वन लोगे तो ये पावर वन बाई टू है यहाँ हाईएस्ट तो स्क्वायर हो गया अगर ये स्क्वायर ये पावर टू हाईएस्ट ना होता लाइक आप एक और एग्जांपल ले लो मैं आपके लिए एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ जिसमें में ये क्लियर हो जाएगा फ्रैक्शन अगर हाईएस्ट हो तो डिग्री तो आप नहीं निकालते लाइक नाइन एक्स टू द पावर फाइव बाई टू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अगर मैं इस एलजैब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स टू तो दावर फाइव बाई टू है या एक्स पर तो पावर टू है या एक्स के तो पावर वन है अगर मैं पूछूँ कि इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी तो डिग्री मतलब हाइस्ट पावर ऑन द वेरिएबल तो वेरिएबल पर हाइस्ट पावर यहाँ वेरिएबल पर पावर फाइव बाई टू है यहाँ वेरिएबल पर पावर टू है यहाँ वेरिएबल पर पावर वन है तो इन तीनों में हाइएस्ट कौन सा फाइव बाई टू हाइएस्ट है इसका मतलब क्या इसकी डिग्री फाइव बाई टू है तो हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने क्या बताया आपको डिग्री की बात हम पॉलिनोमियल में करते हैं और ये पॉलिनोमियल नहीं है ये कैज एक्सप्रेशन तो है बट यहाँ जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ गया और पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर है इंटीजर होनी चाहिए फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए ये फ्रैक्शन आ गया मतलब पॉलिनोमियल नहीं है और पॉलिनोमियल नहीं है तो इसमें हम डिग्री की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कभी भी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं लिखते इसी तरह अगर मैंने एक पॉलिनोम एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसमें नेगेटिव पावर लेके दे दूँगा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है थ्री एक्स टू दावर माइनस वन प्लस फोर एक्स टू दावर माइनस टू प्लस थ्री एक्स और या फिर सिर्फ थ्री रहने दे यहाँ एक्स की पावर माइनस वन है यहाँ x की पावर माइनस टू है और यहाँ पर x की पावर यहाँ x नहीं है दैट मीन्स x की पावर जीरो तो है एक्स की पावर जीरो तो है अब यहाँ एक्स की पावर क्या है माइनस वन यहाँ एक्स की पावर क्या है माइनस टू और यहाँ एक्स की पावर क्या है जीरो अब क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या ये एक पॉलिनोमियल है तो मैं कहूँगा कि पॉलीनोमियल नहीं है क्योंकि एक्स की पावर माइनस वन है एक्स की पावर माइनस टू है और पावर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता पॉलिनोमियल में इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है और अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री की बात करेंगे ही नहीं अगर पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री की बात करेंगे क्योंकि हमने डिग्री पढ़ने टाइम पर लिखा था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी हम सिर्फ एक पॉलिनोमियल की डिग्री निकालते हैं तो अब क्लियर है आपको कि पॉलिनोमियल और एल्जैबिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है तो डिग्री की बात हम हमेशा पॉलिनोमियल में ही करेंगे इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब लिखा था तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था और इसीलिए जो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक हमने पढ़े थे ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं जबकि जो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलजैब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बात कर रहे थे वहाँ पर वो एलजैब्रिक्स एक्सप्रेशन थे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखो थ्री माइनस टू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बोला जाए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स थ्री है इसमें अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री की बात तो हम नहीं करेंगे इज ए ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स हैं लेकिन डिग्री की बात नहीं करेंगे इसकी डिग्री कितनी है तो पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री की बात नहीं करेंगे तो ट्राइनोमियल तो है क्योंकि थ्री टर्म्स है लेकिन इसमें डिग्री क्या है नहीं बता सकते पॉलिनोमियल है नहीं जब पॉलिनोमियल होगा तभी डिग्री निकालेंगे तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो आप कह सकते हो पॉिनोमियल के लिए है और जो सेकेंड क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो रिल्सप्रेशन के लिए है तो आज हमने सीखा है क्लासीफिकेशन ऑफ द एलजैबिका एक्सप्रेशन एंड द पॉलिनोमियल फर्स्ट वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द सेकेंड वाज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स तो एलजैबिका एक्सप्रेशन क्या होते हैं पोलिनोम क्या होते हैं अब आपको डिफरेंस पता चल गया और आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई है और बेसिक टर्म्स आपको सारे क्लियर हो चुके हैं डेफिनेशन सारे क्लियर हो चुके हैं तो नेक्स्ट क्लास से अब हम एलजैबिक एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे यानी कि हम करेंगे ऑपरेशन ऑन द एल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन फ्राम द नेक्स्ट क्लास इस क्लास के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच